उज्जैन के मक्सी रोड पर विजयगंज मंडी थाना क्षेत्र में आने वाले गांव सुनवानी भोपाल में वृद्ध किसान की निजी जमीन पर से पड़ोसी किसान मिट्टी मुरम डालकर रास्ता निकाल रहा है, जिसकी शिकायत वृद्ध किसान ने जिम्मेदार अधिकारियों के पास की है। उज्जैन मक्सी रोड पर विजयगंज मंडी थाना क्षेत्र के सीमा में आने वाले गाँव सुनवानी गोपाल में गणपत लाल निवास करते हैं। 92 वर्ष के वृद्ध किसान के परिवार में करीब बेटा, बहू और पोता मिलाकर 15 से ज्यादा सदस्य हैं, जिनका गुजर बसर और आय का मुख्य स्रोत खेती किसानी है, जो अपनी पुश्तैनी जमीन में खेती किसानी करके गुजर बसर करते हैं। इस किसान के परिवार के सदस्य इस समय बेहद परेशान हैं। इन सब की परेशानी की वजह है कि पड़ोसी खेत मालिक अपनी निजी जमीन में से रास्ता ना निकालते हुए इस वृद्ध किसान की निजी जमीन में से मुरुम मिट्टी डालकर रास्ते का निर्माण कर रहा है। इससे किसान की जमीन खराब हो रही है। वृद्ध किसान ने अधिकारियों के समक्ष लिखित में शिकायत की, समस्या बताई, पर अधिकारियों ने मौका मुआयना निरीक्षण कर रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की और किसान की समस्या का निराकरण नहीं किया, जिसकी वजह से किसान परेशान है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, क्या समस्या आ रही है और क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? तो जो पत्थर अभी वहाँ पर डले हुए हैं, जो मिट्टी डली हुई है, वह उनके खेत में डली हुई है कि आपके खेत में डली हुई है? आपके खेत में डली हुई है। नहीं, किसी की निजी ज़मीन में डालकर रास्ता तो बना ही नहीं सकते हैं। अगर मुझको रास्ता चाहिए तो मुझको अपनी ज़मीन में डालना पड़ेगा। फिर आप लोगों ने बताया नहीं अधिकारियों को या थाने वगैरह, आपने बताया नहीं कि मैसा हमारी ज़मीन, आपकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं? हाँ, नहीं रही, नहीं तो उनका मेन रास्ता है उधर से ऊपर की बात थी, आठवें तरफ। अच्छा, मैं इधर से रास्ता कर लिया। अच्छा, मेन रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? हाँ, वो नहीं कर रहे। और अभी जो मिट्टी डाली हुई वहाँ पर वो निकल गया है? हाँ, वो रास्ता ठीक है, वो निकला उधर, कोई बंद लेकर। अभी कोई अधिकारी या कोई तहसीलदार, पटवारी, कोई देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे? कोई आए? तहसीलदार मैडम आए थे सर, तहसीलदार मैडम आए थे। उनसे बोला भी सही हमने कि इधर से रास्ता नहीं है, इनका पुराना रास्ता अच्छा खासा है, सारे लोग, सारे खेत वाले भी निकल रहे हैं सब, फिर भी इधर से नए रास्ते की जरूरत क्या है? फिर भी कितना हमारे खेत में मुरम बना दिया हमने, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकारी प्रावधान कैसे है हमारे खेत में रास्ता बनाने का? किसी की निजी संपत्ति में मुरम कैसे डाल सकते हैं हम? ये अधिकारी वगैरह सारे उसके पक्ष में, जो कागज वगैरह सारे चीज़ है हमारे पास। आपकी जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री वगैरह प्रॉपर दस्तावेज, सारी चीज़ें प्रॉपर दस्तावेज सारे व्यवस्थित है। चकबंदी से पहले के भी नक्शे हमारे पास, उसके बाद के भी नक्शे, दोनों में ना कोई रास्ते का लिखा हुआ है ना कहीं से कहीं तक रास्ता नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ, अभी जो अभी अभी वहाँ पर जो मिट्टी डली हुई है, मिट्टी डली हुई वो किधर डली हुई है? हमारे खेत में डाल दी उसने, हमारी निजी संपत्ति। अब अगर आपको मुरम डालना है तो खुद के खेत में डालो ना, दूसरे खेत में कैसे डाल सकते हैं? अधिकारियों ने बारीकी से निरीक्षण नहीं करा, वो देखा नहीं उनने? अधिकारी को जो सामने से कोई राजनेता का फोन आ गया, जो उन्होंने बोल दिया वो कर दिया अधिकारी ने। अब किस प्रकार से नहीं हुई, अब सामने वालों को नोटिस देना चाहिए कि भाई हम ये रास्ता बना रहे हैं, वो हमें कोई सूचना नहीं दी तो उसके पहले डेम्पर डीसीपी लेके आए, मुरम डाल दिया और ये चलती है साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है। माता जी, क्या समस्या आ रही है अब आपको, क्या दिक्कत आ रही है और क्या हो क्या रहा है, बताइए। हमारा बच्चा सब जेल में ना, हमारा काम मेहनत करवा, खेती करवा कोई करो। अच्छा। हम कोई दुकान को यहाँ जाए तो अधिकारी क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपकी परेशानी क्यों वो गौर निराकरण क्यों नहीं, समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं? आप परेशान हैं? खेती के अलावा और कुछ काम करते हैं आप लोग क्या? कहीं नहीं करा, खेती करा। अच्छा, खेती से ही सारा घर परिवार चलता है आपका? क्या नाम आपका? अच्छा, एक महीना हो गया, एक महीना डेढ़ महीना हो गया है, डेढ़ महीना हो गया। खेती से हमारा कोई वो नहीं, बताइए अब क्या अड़चनें आ रही हैं आप लोगों के सामने, क्या परेशानी आ रही है, क्या समस्या क्या हो क्या रहा है? सर, निजी ज़मीन में मुरम डाला हुआ है, यही अड़चन है सबसे बड़ी, तो ये हटवाना चाहिए सर। उसके बाद भी आए दिन परेशान करते हो, आए दिन मुरम डालने आ जाते हैं, आए दिन पर कोई रिपोर्ट डालते हैं झूठी रिपोर्ट हमारे नाम की।
आपने इस बारे में जो वरिष्ठ अधिकारी देवास सुनी कहा है सर, आपने शिकायत वगैरह की? बहुत रोज जाता है सर बोलने अधिकारी को, हम केंद्र में अंदर बिठा लेंगे तुमको, अंदर बिठा लेंगे, किसी भी अधिकारी को बोलते अंदर करवा देंगे, अंदर करवा देंगे, जेल में करवा देंगे, तुमको बाहर रखा है तो तुमको भी अंदर करवा देंगे, हर बार यही धमकी मिलती है। सुनवाई देखो तैयारी नहीं, हमारे सात लोग अंदर है, तुम घूम रहे हो, तुम्हारी खेती घूम रहे हो, तुमको भी अंदर कर देंगे, हम आए तो परेशान करते हैं, हमारे सामने जो है बहस मत करो, ये बाकी चलते दिन भर। तहसीलदार मैडम अब मांगा उनसे कि किस पावदान पर आप डलवा रहे हैं, मगर कोई आपके पास सबूत कोई नक्शा वक्शा तो बस मर्जी से उनकी निकालो, तुमको जरूरत हो तो नक्शा कहीं से जाके, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुरम डलेगा ऐसे तो बात करते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।